Let's cross live to India. Today's Mind Rocks. 100 दिन के अंदर काला धन वापस लाने का वादा है मोदी जी. 100 दिन तो कब के निकल गए? क्या योग गुरु के साथ आपके इरादे भी पिघल गए? पूरे देश की जनता के मन में ये सवाल है. भगवंत मान का भी यही ख्याल है कि कब खुलने वाला स्विस बैंक का ताला है. चलो अच्छे दिन तो नहीं आए, काला धन कब आने वाला है? पार्लियामेंट में आप तमाम एमपी से मिलते हो, सबसे ज्यादा दोस्ती आपकी किससे हुई है अब तक? सबसे ज्यादा चुटकी लेने का आपको किसके शौक है? मैं तो किसी को बख्शते ही नहीं हूं. वैसे तो बीजेपी वाले मुझे ज्यादा मिलते रहते हैं और कुछ तो अपनी सिफारिश लेके आते हैं. जब मैं बोलूंगा बीच में तो नहीं टोकेगा? मैंने कहा अगर गलत बोलोगे तो टोकूंगा, अगर गलत बोलोगे. क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा टाइम बीजेपी के पास है, 4.5 घंटे वो बोल सकते हैं. इसीलिए वो बेल बजती है, 2 बेल बजती हैं, 5 बेल बजती हैं, बोलते रहते हैं. हमारी पार्टी के पास 6 मिनट हैं क्योंकि हम 4 हैं. वैसे मुझे पत्रकारों ने पूछा था तुम तो 4 हो क्या करोगे? मैंने कहा आपने शायद दादा दादी की कहानियां नहीं सुनी, 4 ही चाहिए होते हैं बस. और हम पंजाब से हैं जहां से गुरु गोविंद सिंह जी ने, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1.25 लाख से 1 लड़ाया था. 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तबे गुरु गोविंद कहाऊं. हम 4 नहीं, हम 5 लाख हैं उस हिसाब से. तो मैंने सीधी बात में राहुल जी के साथ बहुत अच्छा, मेरा पहला इंटरव्यू वही था, आते ही घेर लिया था इन्होंने मुझे. तो उसमें भी मैंने बोला था कि ये कहते थे टाइम तो आपके पास ज्यादा नहीं है. मैंने कहा इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास 1 घंटा है तो ही आप बोलोगे, 2 मिनट में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा सकती हैं. उसके लिए फिर मैंने पोइट्री को चुना, मैंने कविता बनाई जो वायरल हो गई थी कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं. अदरवाइज 2 मिनट में मैं एक मुद्दा शुरू करके उसको खत्म भी नहीं कर सकता. तो सब कह रहे हैं एक बार वो फिर से 100 दिन कब आने वाले. हाँ, अच्छे दिन कब. पहले किराया बढ़ाया रेल का, फिर नंबर आया तेल का, खुद ही 10 साल करते रहे नुक्ता चीनी, आते ही 2 रुपए किलो महंगी कर दी चीनी. हर कोई सपने दिखाकर आम आदमी को ठग रहा है, सरकार जी अब हमें डर चीन से नहीं चीनी से लग रहा है. दुनिया मून पर, सरकार हनीमून पर. पूछ रहे पूरे देश के चाय वाले हैं, महंगाई की वजह से खाली चाय के प्याले हैं, लोगों को तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले हैं. मोदी जी प्लीज बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं? शायद पता नहीं है इराक है किस इलाके में, भारतीय इराक में फंसे हैं, सुषमा स्वराज गई थी ढाके में. क्या बांग्लादेश को विदेश मंत्रालय का ये बफर 10 दिन बाद नहीं जा सकता था? क्या कंधार की तरह विदेश मंत्री का जहाज बगदाद नहीं जा सकता था? हमारे देश के लोग तो बहुत हिम्मत वाले हैं जिन्होंने इस महंगाई के दौर में भी बच्चे पाले हैं. लूटने वाले ज्यादा बस गिनती के रखवाले हैं. प्लीज बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं? एक दिन मेरे सपने में बुलेट ट्रेन आई, एक दिन मेरे सपने में बुलेट ट्रेन आई. मैंने कहा जी बधाई हो बधाई, मैंने सुना है तुम मेरे देश आ रही हो, मेरे देश की तरक्की की स्पीड बढ़ा रही हो. बुलेट ट्रेन बोली मेरा शिकवा किसी गाय या भैंस से नहीं, अरे मैं बिजली पे चलती हूं, गोबर गैस से नहीं. मोदी साहब के भाषण लोगों को खूब जचे हैं, अब तो 100 दिन भी हो गए काले धन में, काला धन आने में तो कोई दिन भी नहीं बचे हैं. हम तो आम आदमी पार्टी वाले हैं, हमने तो हर सरकार से डंडे खा ले हैं, हमने तो पार्लियामेंट में और सड़क पर ये पूछने के लिए ही मोर्चे संभाले हैं कि टेल मी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर अच्छे दिन कब आने वाले. पार्लियामेंट में आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, मिलते नकल करने का, मिमिक्री का आपको थोड़ा शौक भी है? तो मैं शौक नहीं है वैसे, नहीं शौक, लेकिन आप नकल बड़ी अच्छी करते हैं.
नहीं नकल नहीं, मैं तो असल मिमिक्री। अच्छा असल 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 तो मैं देखिए आप कुछ अलग करोगे तो पहचाने जाओगे। हाईवे पर हजारों गाड़ियां हर रोज जाती हैं, किसी गाड़ी की टायरों का कोई निशान बाकी रहता है? नहीं रहता। हाँ एक का रहता है जो पंक्चर जाए, कुछ तो लग करे ना, पंक्चर जाए उसका रहता है। अंडे ने टूटना है, ये यूथ बैठा है मेरे देश का, ये बात जरा गौर से सुन लेना। अंडे ने टूटना ही टूटना है, लेकिन फर्क ये है, अंडा अगर बाहर की फोर्स से टूटता है तो जिंदगी खत्म हो जाती है, वही अंडा अंदर की फोर्स से टूटता है तो जिंदगी शुरू हो जाती है। अपनी अपने जैसे बनो, किसी जैसे ना बनो, नकल नहीं करनी, अपने जैसे। भगवंत मान, राहुल कमल को राहुल कमल के सिवा कोई नहीं जानता, तो तुम कौन हो, कौन सी अपनी लिमिटेशन भी आपको पता है। हाँ लड़ाई चलती रहती है बाहर वाले और अंदर वाले में, और अंदर वाला अक्सर सच्चा होता है क्योंकि उसको सच पता होता है तुम कौन हो। तो इसलिए खराब घड़ी भी दो बार सही टाइम देती है, अगर हम एफर्ट करेंगे तो बहुत बार सही टाइम दे सकते हैं हम, बहुत ज्यादा बार रहेगा। फेलियर भी आते हैं, फेलियर नहीं चलिए तो के रसूल हमजा तो भी एक राइटर हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है मेरा दागिस्तान, अगर पढ़ने का मौका मिले तो। उन्होंने कहा है कि जिसने कोई गलती नहीं की इसका मतलब फिर उसने कोई काम भी नहीं किया। गलतियां काम के दौरान हो जाती हैं, लेकिन काम तो करो ना कुछ, तो गलतियों को सुधारते जाओ।